हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनत गार्डनिंग ऑन टेरेस। ये देखिए, आज ये कुछ शॉपिंग है मेरे जो मैंने प्लांट की किए विंटर सीजन की। कुछ प्लांट हैं देखिए जो मुझे बहुत प्यारे लगे नर्सरी पे और मैंने ले आई हूँ। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे जो आप देख रहे हैं ये है प्रमिला का प्लांट है। ये देखिए इसके फ्लावर कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके दो प्लांट मैंने लिए हैं, एक येलो कलर में। इसके बहुत सारे कलर रखे हुए थे वहाँ पे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन मैंने दो लिए हैं। ये बस विंटर सीजन के ही मेहमान होते हैं, लेकिन ये इतने अच्छे लगते हैं कि इनको लगाए बिना आप रह नहीं सकते। और देखिए ये पिटूनिया है पिंक कलर की, ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी। हालांकि लगे हैं और प्लांट मेरे पास, लेकिन मैं दो कलर ले आई। ये एक रेड कलर का है और वाइट कलर के साथ, और ये एक पिंक कलर है। दोनों कलर प्यारे लग रहे हैं। अभी तो थोड़े प्लांट ज़्यादा हेल्दी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी जब इसको प्लांटर में लगाएंगे और इसको जब हेल्दी एक अच्छी रिच बनाएंगे तो अच्छा चलेगा प्लांट। और पिटूनिया तो बहुत फूल खिलाता है। और देखिए ये कलर कितना प्यारा लग रहा है। ये अभी तो थोड़े फूल अगर पुराने से हो गए हैं, लेकिन ये जब नया कलर खिलेगा, बिल्कुल नया फ्लावर, तो इसका कलर आपको बहुत खूबसूरत लगेगा जब आप देखेंगे। और आप देख रहे हैं ये जो एक डार्क फ्लावर का कलर है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और पूरा मुंह खुलता है, लगता है डॉग ही है ये। और देखिए डेंथस का एक कलर मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये रेड कलर में, और इसका प्लांट भी बहुत हेल्दी था, तो इसको भी मैंने परचेस कर लिया। वैसे डेंथस के प्लांट मेरे पास कई एक लगे हैं, लेकिन सब पिंकिश कलर में, पिंक कलर उसमें ज़्यादा दिख रहा है। ये पूरा फ्लावर रेड कलर का है, इसलिए बहुत खूबसूरत लग रहा था। और देखिए मैंने गुलाब के तीन प्लांट हैं जो मैंने परचेस किए हैं। ये इंग्लिश वैरायटी वाले हैं, शेडेड में है। और देखिए नर्सरी वाले ने मुझे दोनों लग रहा है एक ही कलर के दे दिए। ये देखिए वो लोग बड़ी जल्दी में रहते हैं पता नहीं। और कलर मैंने दो पसंद किए थे, उसने एक ही कलर के दो प्लांट मुझे दे दिए। चलिए ठीक है, लगाते हैं, देखते हैं, अब तो आ ही गए। और एक ये देखिए ये येलो कलर का है, ये भी बहुत प्यारा कलर है। और एक मैंने वो अरेलिया का प्लांट लिया है, ये देखिए ये जो अब गर्मी का सीज़न में, तो ये बहुत अच्छे से गमला भर के जब ग्रीन कलर का और ये वेरिगेशन होता है इसमें लीफ में, ये बहुत प्यारा लगता है। तो ये समर सीज़न का प्लांट है, तो अब इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, इसको लगाएंगे तो ये अच्छा समर सीज़न में बहुत अच्छा लगेगा। गार्डन में ग्रीनरी इसकी वजह से बहुत अच्छी दिखेगी। और देखिए बहुत सारे प्लांट आ रहे हैं नर्सरी पर, आप जाएँगे तो आपको दिल चाहेगा कि कौन से प्लांट छोड़ दें और कौन से ले जाएं। और ये देखिए ये एक टेबल पाम का प्लांट है, ये मेरा बहुत छोटा सा इतना खूबसूरत लग रहा था कि मुझसे रहा नहीं गया इसको लिए बगैर। बहुत ही प्यारा लग रहा था, इतना छोटा सा टेबल पाम है ये। और एक ये साइकस का है, इसके भी देखिए बहुत अच्छी, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, प्लांट हेल्दी है ये। और इसके एक पत्ता ये ख़राब है, ये निकाल देंगे। बाकी बहुत अच्छा प्लांट है और ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, ये साइकस का प्लांट है। और आपको कैसा लग रहा है बताइएगा, और आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी बताइएगा। और इनको हम प्लांटर में लगाएंगे, फिर आप जब इनमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होंगी तो आपके साथ फिर शेयर करेंगे। और आप भी लगाइए ये विंटर सीजन के प्लांट, थोड़े बहुत तो आप ज़रूर से लगाएँ, आपको बहुत ही खुशी मिलेगी इससे। और प्लांट के तो शौकीन सभी होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ थोड़े कम होते हैं, लेकिन अच्छे तो सबको लगते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है, केयर करना पड़ती है। बाकी आजकल देखिए गुलदाउदी कितनी हेल्दी खिली हुई है मेरी, मैंने वीडियो डाली थी आपने देखी होगी, येलो कलर वाली भी और वाइट कलर के, और बहुत सारे कलर हैं आपने देखे होंगे। और ये देखिए ये जाफरी है, ये भी खिला हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक एक पेड़ में ही कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं। आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी है बताइएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।